hate this October month. क्यों? ऐसा क्या होता है अक्टूबर में? अरे ये वेजिटेरियन मंथ है और मेरे पेरेंट्स के स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स हैं कि पूरा महीना वेज खाना है एंड आई लव नॉन वेज. ओह, बट फॉर अ चेंज अच्छा है ना? वेजिटेरियन होने के बहुत फायदे हैं. जरूर होंगे, बट आई कांट स्टे विदाउट नॉन वेज. डोंट वरी, ये स्टोरी फ्रॉम बेंगलुरु तुम्हें जरूर हेल्प करेगी. क्या आप जानते हैं कि वेजिटेरियन अवेयरनेस मंथ कौन से महीने में सेलिब्रेट होता है? नहीं ना, मुझे मालूम था. नो प्रॉब्लम, लेट अस अक्वेंट आवरसेल्व्स विद दिस मंथ. वर्ल्ड वेजिटेरियन डे हर साल अक्टूबर 1 को मनाया जाता है. ये डे नॉर्थ अमेरिकन वेजिटेरियन सोसाइटी ने 1977 को शुरू किया था और ये दिवस 1978 से इंटरनेशनल वेजिटेरियन यूनियन के द्वारा समर्थन किया जा रहा है, जिसका लक्ष्य था टू प्रमोट द जॉय, द कंपैशन एंड द लाइफ एनहांसिंग पॉसिबिलिटीज ऑफ वेजिटेरियनिज्म. इस दिन से वेजिटेरियन अवेयरनेस मंथ शुरू होता है और नवम्बर 1 को वेजिटेरियन अवेयरनेस मंथ का अंत होता है. और ये महीना एक वेजिटेरियन लाइफस्टाइल के नैतिक, इंसानियत और स्वास्थ्य के बेनिफिट्स पर ध्यान देता है. क्या आप वेजिटेरियन अवेयरनेस मंथ के उपवास को फॉलो करते हैं? नहीं, मैं नहीं फॉलो करता. हाँ जरूर, क्योंकि मैं एक वेजिटेरियन हूँ. नहीं, क्योंकि मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ, मैं उसे नहीं फॉलो करूँगा. मुझे लगता है कि मुझे फॉलो करना चाहिए बिकॉज आई एम अ वेजिटेरियन. और क्या आपको लगता है कि सिर्फ वेजिटेरियन खाना खाने से हमको हमारे शरीर के सारे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं? नहीं, मुझे नहीं लगता कि सिर्फ वेजिटेरियन खाना खाने से हमको कोई सारे न्यूट्रिएंट मिलते हैं. नहीं, मुझे भी वैसा नहीं लगता. आई थिंक थोड़ा नॉन वेज, थोड़ा नहीं, मतलब यू शुड हैव अ बैलेंस दोनों नॉन वेज और वेजिटेरियन. हमारे शरीर के न्यूट्रिएंट्स सिर्फ शाकाहारी खाने से नहीं फुलफिल होते हैं, क्योंकि हमारे बॉडी को प्रोटीन्स की भी ज़रूरत होती है जो हमें नॉन वेजिटेरियन खाने से मिलते हैं. उन लोगों के बारे में तो मुझे पता नहीं, पर मैं इस महीने के नॉनवेज उपवास को जरूर फॉलो करूंगा. दिस इज YJ अनवय साइनिंग ऑफ फॉर यंग जर्नल्स ऑन सहारा 1.